मेरा नाम है सूफी और आप देख रहे हैं दिलवाले सूफी चैनल। तो भारत में सुबह की चाय की चुस्कियां ली जा रही थी और भारत से दूर जापान के नारा शहर में दिन के आगमन की घड़ियां गिनी जा रही थी और हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त था, पर एक नेता था जो अपनी बात रखने के लिए, लोगों के सामने अपनी बात को रखने के लिए वो मस्त मगन था और वो चुनाव के प्रचार को आगे बढ़ाते हुए अपनी बातों को रखने के लिए जा ही रहा था, लेकिन उसे होने वाली अनहोनी से कुछ भी नहीं पता था। बेबाकी से अपनी बात को रखने में मशगूल था, आने वाली गोलियों से उसकी जान जाने वाली है उस बात से बिल्कुल वो अनजान था। दोस्तों, वो कोई और नहीं, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे। शिंजो आबे की हत्या हुई उसके ऊपर हमने कुछ कविता के माध्यम के आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो सुनिए कि हवा को चीरते हुई गोली सीधे गले में जा लगी, जाते जाते गोली अपने साथ एक शख्सियत को भी मौत की नींद सुला गई। हाय दुनिया, तेरी ये सुरक्षा मेरे कुछ काम ना आई, चला था इंसानों से बात करने, हाय इंसान तुझे ये बात रास ना आई, अरे तेत्सुया यामागामी तुझ में किसने ये दरिंदगी जगाई, जो मेरी जान लेने के खातिर तूने मुझ पे ये गोलियां चलाई। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या के बारे में। शिंजो आबे नारा शहर के अंदर अपनी बात रोड के ऊपर रख रहे थे और उसी वक्त पीछे से एक हत्यारा, उसका नाम तेत्सुया यामागामी है। तेत्सुया यामागामी ने जो पहली गोली लगाई वो निशाने पे ना लगी और दूसरी गोली जैसे ही गोली लगाई, गन से, बंदूक से एक आवाज़ आई और बंदूक से धुएं को छोड़ते हुए वो गोली हवा को चीर कर सीधा शिंजो आबे के गर्दन पे जा लगी और शिंजो आबे उसी वक्त ज़मीन पे ढेर हो गए। और सुनने में आता है कि जैसे ही वो ज़मीन पे ढेर हुए, उसके साथ साथ उनको दिल का दौरा भी पड़ा। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी घटना है और शर्म की बात है कि एक पूर्व वड़ा प्रधान जो रोड पे भाषण दे रहे और उनकी हत्या कर दी जाए। तो दोस्तों, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और कोई भी धर्म आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता। हमारी तरफ से यही अपील है कि ऐसे हत्यारों को माफ़ ना किया जाए। ऐसे ही न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को हमारी चैनल शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।